हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कुछ नए सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट मेथड्स के सामने उनको हम ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो किस तरह से क्या है यहाँ पर, हम पहले वो देख लेते हैं। रिजल्ट्स कौन कौन से हैं वो हमको लिखने भी हैं, ध्यान रखना है और ध्यान से देखने भी, क्योंकि ऑलरेडी हम 10th क्लास तक में ये सारे पढ़ चुके हैं। 9th 8th में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वही यहाँ रिपीट है। तो क्या क्या है वो तो देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा ए प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट है। वो हमको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमको ध्यान रखना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यह हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। इसकी तरह ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब हो तो ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस माइनस बी क्यूब। एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, आगे ही आगे प्लस ऑटोमेटिक है ही वहाँ पर, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, आगे की संख्या पॉजिटिव ही होती है जब कोई साइन ना हो तब। अब ये हो गया हमारे, ये इतना। अब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी मिल जाएगा इस तरह से। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो हमारे पास, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारे के सारे हमारे पास प्लस में होंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स के बेस पर हमको क्या करना है, आगे के इक्वेशंस और आगे के सम्स सॉल्व करने हैं। इससे ज़्यादा और भी होते हैं, बट हमारे काम के अभी इतने ही हैं। सो वी आर डूइंग दिस ओनली। नाउ व्हाट, वी विल टेक एग्जांपल नंबर 13। लिमिट एक्स रेज टू 1 2x² प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन x² माइनस 1। देखो हमारे पास आया है, ये का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो वो सॉल्यूशन किस तरह से आएगा ये हमको देखना है। तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो पहले हम उन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर यानी कि हमारा अंश, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हमारे पास हर दिया हुआ है, हमारा डिनोमिनेटर उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है वैल्यू, 2x² प्लस एक्स माइनस 3, तो 2 × 3 माइनस का 3 है, तो माइनस का 6। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो है हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 3, 3 × 2 = माइनस का 6। ओके, ये हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। अब प्लस का 1 चाहिए, तो माइनस का 2 प्लस का 3, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर आएगा प्लस का 1, तो ये हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो 2x²
माइनस प्लस का, चलो पहले इसको लिख देते हैं, प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 3 जो हमको दिया पहले, और लास्ट में कोई चेंज हम नहीं करेंगे क्योंकि जैसा दिया अब इसकी जगह पर हमको ये लाना था तो हमने ला दिया 3 माइनस 2 तो 1x। तो यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 के पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन आएगा हमारे पास क्या x, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो माइनस का साइन जैसा का तैसा, 1 2x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का 3, तो 2x प्लस 3 एंड x-1, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस साइड का हम करते हैं, हर क्या है x² -1, तो इसका हम सॉल्यूशन करें तो x² और 1 का स्क्वायर, देखो अब ये हमारा क्या a² - b² जैसा हो गया, यानी कि एक बार माइनस और एक बार प्लस, ये कैसा हुआ हमारा, तो देख सकते हैं a² - b², इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो देखो ये हमने इस तरह से किया इसका, वो यहाँ है। अब हम उसको लिखेंगे लिमिट x^1, तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन हो रहा है ये 2x+3 x-1, नीचे का सॉल्यूशन क्या है x-1 x+1, कोई मैच हो रहा है, यस कट हो जाएगा 2x+3 एंड x+1, ये हमारा क्या है इक्वेशंस है। अब इनके अंदर वैल्यू पुट ऑन करनी है, 1 है तो 2 × 1 + 3 और x की जगह 1 + 1, 2 × 1 = 2 + 3 एंड 1 एंड 1 = 2, सो 5/2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 5/2, 2 + 3 = 5 एंड 2 का 2। सो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा ऑन द बेस ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, बिकॉज हमने यहाँ यूज़ किया a-b a+b a²-b², ये हमको थोड़ा माइंड चला कर ही करना पड़ेगा, और इक्वेशन सीखने के लिए ये रिजल्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम के ऊपर हमारा।